तरफ से कुछ नहीं होता है। मैं इसके पास बैठा हूँ बिल्कुल, और इसकी हवा बिल्कुल मेरे लग रही है, मेरे मुंह पे। तो दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हुए इस सांप को जाने देते हैं। डर तो लगता है। हेलो दोस्तों, मैं स्नेक रेस्क्यू हरलाल, और आज मैं आ गया हूँ गांव के गेकपुरा। तो यहाँ का कॉल है कि इस कमरे के अंदर कोबरा सांप घुस गया है। तो इन भाई साहब ने कम से कम 3 या 4 घंटे से वेट कर रहे हैं, और अभी हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो अभी हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, सांप मिलता है कि नहीं। तब तक आप भी बने रहो वीडियो के अंदर, और अब हम अंदर चलते हैं और जितना भी सामान वगैरह जो भी वस्तु पड़ी है हम उसको बाहर निकालते हैं। तो आओ अंदर, और तब तक आप भी रहो वीडियो में, देखते वगैरह सब दे दो। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितना सामान पड़ा है अंदर, कचरा पट्टी बिल्कुल, मुर्गे वगैरह सब है अंदर। तो दोस्तों सांप को निकालना होगा, तो ये सारा सामान एक बार घर से इस कमरे से बाहर निकालना पड़ेगा। बैटरी वगैरह दी तुम? बैटरी बंद कर दे। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हो इस कोटे के नीचे है सांप, कोबरा सांप। तो अभी हम इसको निकालने की फुल कोशिश कर रहे हैं, कोई खेत वगैरह नहीं होता, हम इसको निकाल सकते हैं बाहर। दोस्तों आधा सामान तो निकाल लिया बाहर, और इस कोटे के नीचे तो इसको भी निकाल देख सकते हो। कमरे के अंदर बाइक वगैरह सब पड़ी है, और बिस्तर वगैरह सब कुछ है अंदर। किसानों का मकान खेत में है बिल्कुल, तो किसानों का मकान ऐसा ही होता है। वटामिन ही नहीं करते सही से, पकड़ लेंगे। हाँ क्या बंद कर दीजिए, बंद इसलिए वो हमने ये सारा सामान खाली कर दिया अभी, और गाड़ी वगैरह जो भी थी निकाल दिया। तो इस गेहूं का बक्सा है, तो सांप इसके नीचे है अभी। तो दोस्तों देख लो गर्मी इतनी है, अधिक से अधिक तो गर्मी है अंदर। तो अभी हम इस कोटे को इधर उधर खिसकाते हैं, और कोबरा सांप का बच्चा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ढाई से 3 फीट का लमसम दिख रहा है अंदर। तो अभी हम इसको बाहर निकालते हैं, फुल कोशिश कर रहे हैं अभी, और निकाल भी लेंगे हमको ऐसा है। तो अभी देखते हैं, और इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालते हैं, तब तक आप बने रहो वीडियो के अंदर। तो दोस्तों देख सकते हो ये कोटे के पीछे बैठा है सांप, दिखाई देता होगा आपको, कोबरा सांप है। तो दोस्तों इसको जल्दी से जल्दी बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम अभी। तो दोस्तों देख सकते हो आप, देख सकते हो हमने इस सांप को बाहर निकाल लिया है अभी, काफी गुस्से में है, बहुत मुश्किल और बहुत मेहनत के बाद में हाथ में लगाए है, देख सकते हो कोबरा सांप है, देख सकते हो ये कोबरा सांप, फन की जगह पर देखो फन कर रहे हैं यो करिए। दोस्तों इसने कुछ न कुछ खा रखा है, वापस निकालने की कोशिश में देख लो, ये थोड़ा नीचे चूहे का बच्चा खा रखा है पीछे से, देख सकते हो आप। तो दोस्तों देख सकते हो कोबरा सांप है, 3 फीट के लमसम है ये। एक बार इसका भोजन बाहर निकलने देते हैं हम, बहुत गर्मी, इसको एक बार हम बाहर ले लेते हैं दोस्तों, खुले आसमान में। तो बहुत बोल भेजने में, बहुत बोल ने बोल दिया ने राजा, बाहर ना जाओ यार, चलो लाल घरे ले जाओ, ले जाओ चालू है घरे ले जाओ। चार बिल्कुल जंगली इलाका खेतों का है, और खेतों में अधिकतर ऐसा सांप आते रहते हैं, हम तो सब जानते हैं, लेकिन कोई किसान भाई रात के अंधेरे में दिखता नहीं है उनको, बिस्तर वगैरह साफ नहीं आ जा नहीं रहे, तो उसके चक्कर में ये सांप उनको काट लेते हैं, पैर वगैरह लग जाते हैं,
कहीं हाथ वगैरह कुछ शरीर का कुछ भी अंग टच हो जाता है सांपों के, तो ये सांप काट लेते हैं। दोस्तों ऐसे रात के अंधेरे में ध्यान रखो, और खेतों में कहीं घर वगैरह बनाया हो तो बिस्तर वगैरह जो भी हो जो साफ करके सो, तो ताकि आप ऐसे जहरीले सांपों से बच सको और आप सुरक्षित रह सको। तो दोस्तों अभी हम इसको जल्दी से डिब्बे में डालते हैं और नाइट के टाइम में इसको ज्यादा परेशान भी नहीं करेंगे हम। डिब्बे दिखे तो बाबा खड़े बड़ी बंद कर दे। इसको हम जल्दी से डिब्बे में डालते हैं, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। इसका भोजन भी बाहर निकलने में आया है अभी। ये भोजन बाहर निकल गया तो दूसरे को भोजन बन वापिस, इसको भोजन कब नसीब में होता है वो पता नहीं है। इसको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे अभी हम। दोस्तों अभी हमने इसको डिब्बे में डाल दिया और जल्दी से जल्दी इसको सुरक्षित जंगल में रिलीज भी कर देंगे। और यहाँ पे रेस्क्यू किया था तो इनके घर के इस कमरे के पास में ये बुजुर्ग दादी माँ का कमरा है, आप दादी माँ को देख सकते हो और इनको पूछेंगे तो सांप पकड़ लिया कैसा लगा। आप देख सकते हो दादी माँ को, क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक में है इनका कमरा भी, और दादी माँ को देख सकते हो हमने इस सांप को रेस्क्यू कर लिया और जल्दी रिलीज कर देंगे। तो दोस्तों अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ, ताकि ऐसे ही बेजुबान जानवरों को और कई जीवों को और लोगों को मरने से बचा सके। ओके धन्यवाद, थैंक्स। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखा था कि हमने उस घर से इस कोबरा सांप को कैसे रेस्क्यू किया था, तो दोस्तों अभी हम इसको छोड़ने के लिए आ गए हैं। तो वहाँ पे भी बुजुर्ग दादी माँ थी, तो उनके वो दादी माँ भी बहुत खुश हुई, वहाँ पे सांप पकड़ लिया था जो देख लो कोबरा सांप है, ये काफी गुस्से में, और इसका भोजन अभी नहीं निकला, भोजन बाहर निकल गया है चूहे के बच्चे। तो दोस्तों ध्यान रखो, सांपों को ना मत पकड़ो और रेस्क्यूअर की नकल मत करो, वरना नजर हटी दुर्घटना घटी और सब्जी पूड़ी बटी। ध्यान रखो, देख सकते हो कोबरा सांप, ब्रश से कुछ नहीं होता है। मैं इसके पास बैठा हूँ बिल्कुल, और इसकी हवा बिल्कुल मेरे लग रही है मेरे मुँह पे। तो दोस्तों ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देते हुए इस सांप को जाने देते हैं, डर तो लगता है। तो दोस्तों ये जा रहा है सांप, घूमेगा फिरेगा इसके हिसाब से जाएगा। तो दोस्तों देख सकते हो ये मेंढक निकाला इसने बाहर, बिल्कुल खा गया इसको। तो दोस्तों अभी भी बोल रहा हूँ रेस्क्यूअर की नकल मत करो, ध्यान रखो, नहीं तो सांप काटने पर और कुछ नहीं होगा, नजर हटेगी दुर्घटना घटेगी और सब्जी पूड़ी बटेगी। तो ध्यान रखो, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट में बता देना कि आपको वीडियो कैसा लगा। और बस आज के लिए इतना ही, और अब हम मिलेंगे फिर आपको अगले वीडियो में।